अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फिर से आ गया लाइव अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों से जो है बातचीत करने के लिए। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप लोगों की चाहत अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की मोहब्बत। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स को लाइक और रिप्ले नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल, क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से ये कुदरती चीज़ें बना के आप तक लेकर आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ वही चीज़ें मैं बनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आज सुबह में एक मैसेज आया, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई मुझे मेरे काम पे। आप वो मैसेज सुनिए, फिर मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ूंगा जो आप लोग मेरे पोस्ट पे करे हैं इंशाल्लाह। मुंबई से हैं? नहीं, मैं सोलापुर से हूँ। सोलापुर का सुबह मैसेज पढ़ा मैंने, इसलिए फोन किया सर को। मुझको मैसेज आया था सर का। जी जी मैं हर रोज आता हूँ सर को फोन। हाँ जी, प्रॉब्लम क्या है कि आपकी? नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं सर, से क्या है, आज सुबह सुबह मैं हर रोज उनको ना एक मैसेज करता हूँ गुड मॉर्निंग का, तो उन्होंने मुझको रिप्लाई दिया, इसलिए मैं बोला उनके साथ बात करना, बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनके, बस प्रणाम करवाता हूँ उनको, बाकी कुछ नहीं। नहीं सर, तो बहुत बिजी रहते हैं। हाँ इंशाल्लाह मैं बोल देता हूँ आपके। मैं क्या बस प्रणाम करने का था उनको, बस उतना ही काम था, बाकी कुछ भी नहीं था। जी, मैं बोल देता हूँ सर को। मैं प्लीज नाम क्या है? और भाई हाँ, मेरा नाम है राजीव कुलकर्णी जी। राजीव कुलकर्णी? हाँ, उनको उनको मैंने ना फेसबुक पर ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भी किया है मैंने। जी, हाँ, तो वो जरा बस उनको रिक्वेस्ट करना था कि भाई बस हमारा जरा एक्सेप्ट करेंगे तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। जी, मैं बोलता हूँ बोलता हूँ। और दूसरी बात क्या है कि मैंने ये फील्ड में 22 साल काम किया है, एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कंपनी में काम किया है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में। जी मुझको आयुर्वेदिक का कुछ भी ऐसा नॉलेज नहीं है। जी बिल्कुल, मगर ये एलोपैथिक मेडिसिन से उसमें मैंने 22 साल का काम किया है। जी तो इसलिए जरा ज्यादा अट्रैक्शन है सर के बारे में, सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जी ऐसा मेरी जिंदगी में मैंने डॉक्टर देखा नहीं, डॉक्टर साहब के जैसा। जी, जो मुझे इतने डॉक्टर्स को मिला मैं, मगर उनके जैसा डॉक्टर मैं आज तक कभी कभी भी देखा नहीं मेरे लाइफ में। जी, हाँ सर जी, कुछ उतना ही मैसेज आप जरा कन्वे करेंगे तो अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह मैं इत्तला करता हूँ उनको। बस अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह हो सके तो आपसे मैं आपकी बात भी करवा देता हूँ इंशाल्लाह। हाँ प्लीज प्लीज, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं क्या कैसा है, हम आपको कैसा जात पात नहीं मानते, मगर आपके जैसा हमको बोलने को नहीं आता है। जी, कुछ गलती हो गया तो मुझको माफ करना। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं। जी सर, आपका नाम सर? जी मेरा नाम सिराज है। अच्छा जी जी सर, आप बहुत लकी है सर के पास रहने को मिलता है आपको। जी, हाँ सर, अल्लाह का एहसान है। हाँ सर, अभी आप कहाँ है सर? जी अभी हम तो अल्हम्दुलिल्लाह राजीव कुलकर्णी जी, बहुत जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। ये भाईचार की ये मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह, ना कि मुसलमान भाई, मेरे गैर मुसलमान भाई भी मुझसे मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि लोग मेरे काम को समझ रही हैं और मुझे सपोर्ट कर रही हैं। बस इसी तरह इंशाल्लाह ये सपोर्ट अल्लाह ताला की तरफ से है, आप सब लोग अज़बाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसी तरह इंशाल्लाह मेरे से जुड़े रहें और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक बेहतरीन मैं इलाज आपके पास लेकर आऊंगा। बस एक ही मकसद है कि आपको सारे चीज़ें सिखा के छोड़ूं इंशाल्लाह। तो मैंने आइसक्रीम खाते हुए कुछ फोटोज अपलोड किया था, तो उस पर कमेंट आए थे, तो वो कमेंट भी मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा। तो साहिल सैयद भाई में कमेंट किए, माशाल्लाह भाई बहुत खूबसूरत पिक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वसीम बागबान भाई कमेंट कर रहे हैं, माशाल्लाह आप आतिफ असलम की तरह लग रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। और बाबर खान भाई लिख रहे हैं, माशाल्लाह आइसक्रीम और आपका ड्रेस परफेक्ट मैचिंग है, जजाकल्ला। तो सैयद यूसुफ भाई लिख रहे हैं, मरीजों को मना है, हकीमों को नहीं
तो आइसक्रीम खाइए, अल्लाह ताला की नेमत है आइसक्रीम खाना। लेकिन उसके मिजाज से आपको रेमेडीज भी बताया हूँ। बादाम भून के खाने से आपको सर्दी नहीं होती, है नहीं? तो अपनी बॉडी को बैलेंस पे लेकर जाएंगे तो इंशाल्लाह आप कभी बीमार नहीं होंगे, इंशाल्लाह। सिर्फ समीर खादरी भी लिख रहे हैं, सिर्फ देखकर फोटो लेके खुश हो रहे हैं शायद। मुस्तफ़ा अबू बकर भाई लिखे हुए हैं, मेरे साथ खाए थे आप, याद है क्या? याद तो नहीं आ रहा। अब्दुल रहीम सादिक, सॉरी, अब्दुल रहीम सालिक भाई लिख रहे हैं, ही इंसिस्ट पीपल टू हैव दिस एंड व्हेन दे गेट सिक ही शो द ट्रीटमेंट टू गेट टायर्ड ऑफ इट, ऑटोमेटिकली पीपल विल गो टू हिम टू गेट हिज आयुर्वेदिक मेडिसिंस। देखिए, जितना भी मैं आयुर्वेदिक मेडिसिंस आपको, ये घरेलू मेडिसिंस ये एकदम सही इलाज है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दवा में कौन सी भी एक ऐसी चीज़ मिलावट नहीं है जो आपके जिस्म को तकलीफ पहुंचा सके। सारे कुदरती नॉन पॉइजनस प्लांट्स, जड़ी बूटियां से, कुदरती चीज़ों से मैं आपका इलाज करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, एकदम नेचुरल चीज़ है। मैं आपको सिखा रूँ भी वो चाहे चीज़ें, आप घर पे बैठ के सीख लो, आप खुद अपने हाथों से बना लो इंशाल्लाह, आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। खुरेशी साइमा जी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है, मेरे लिए भी ऑर्डर दे देना, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो मोहम्मद जीशान भाई, इनका कमेंट बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। मोहम्मद जीशान भाई लिख रहे हैं, माशाल्लाह आपने, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, तौहीद, ईमान, इलम, तख्वा, खूबसूरती, खुश अखलाकी एक्सेट्रा, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दौलत, इज्जत, शोहरत ये सब अलग है, लेकिन तौहीद की दौलत मिलना, तख्वा मिलना, इलम मिलना, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। ये उन कुछ मिलता जो इन चीज़ों की कदर करते। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इलम एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ता, तो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें बांट रहा हूँ, और इसी तरीके से अल्लाह ताला मेरे इलम में इजाफा भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत ही प्यारा कमेंट है आपका मोहम्मद जीशान भाई, जजाकल्लाहु खैरन कसीरा। तो तल्लत नाजिया जी लिख रहे हैं, क्या आप एडवर्टाइजमेंट दे रही क्या आइसक्रीम का? आइसक्रीम का एडवर्टाइजमेंट देखिए, माशाल्लाह मैं आइसक्रीम का दीवाना हूँ सच में। मेरे दिन में आप 10 आइसक्रीम खिलाएंगे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशी से खा लेता हूँ। तो यूजुअली मैं पोलार बियर, माशाल्लाह मैं उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा आइसक्रीम मिलता पोलार बियर में, मैं वहीं पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह यूजुअली जहाँ पर भी मैं विजिट करता हूँ, उनके ब्रांचेस हैं, तो मैं वहाँ पे जाके विजिट करके मैं जो है खा लेता हूँ आइसक्रीम। तो समीर खान भाई लिख रहे हैं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है इनका कमेंट। समीर खान भाई, ठंड में आइसक्रीम खाने का मजा वही लोग जानते हैं जिसने मोहब्बत की हो, और ठंड में आइसक्रीम खाने से जिस्म में गर्मी होती है, और उनको भी सुहेल शेख भाई बेशक बोल के लिख रहे हैं। जहां तक मुझे मालूम है तो आइसक्रीम खाने का मजा मोहब्बत रिलेटेड भी, तो आगे मैं इंशाल्लाह आपको बतलाऊंगा। तो शेख रफीक भाई लिख रहे हैं, आप भी उस आइसक्रीम के जैसे हैं, और सुहेल भाई उनको जो है रिप्लाई कर रहे हैं, बेशक सही कहा आपने, आइसक्रीम जैसा दिख रहा क्या भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोइन अहमद सैयद भाई कमेंट लिख रहे हैं, माशा अल्लाह तबारक अल्लाह सुपर्ब, बहुत नूरानी है आपका फेस। पर हकीम अताउल्ला खान साहब, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, ईमान और आमाल में कबूल बरकत अता फरमाए, आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुहिनुद्दीन सैयद भाई लिख रहे हैं, दिल है कि मानता नहीं, आइसक्रीम खाइए, लेकिन इंशाल्लाह उसके रेमेडीज़ भी मैं बतलाया हूँ आपको, जिस्म को गर्म कैसा रखना, सर्दी से कैसा बचना, गले के तकलीफ़ों से कैसा बचना, ये एक इलम आप सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह हर एक नेमत और हर एक फूड का आप जायका ले सकते हैं इंशाल्लाह। तो इलियास अली भाई के मुंह में पानी आ रहा, कहते हैं मुँह में पानी आ रहा डॉक्टर साहब बोल रही, तो
तो साइमा एस शेख लिख रहे हैं कि डोंट वरी, हकीम घर का ही है। तो अफू आलियान जी लिख रहे हैं, इस तरह से किडिंग किडिंग करना मना है, बिकॉज आपकी हर बात को लोग बहुत सीरियसली सुनते हैं। होप यू वोंट, या इंशाल्लाह। इसीलिए तो है मैं जो है आप लोगों को जो है बताता हूँ सारे रेमिडीज, और जो है अल्हम्दुलिल्लाह यूजुअली जो है मैं किडिंग मतलब लोगों से प्यार मोहब्बत से मिलता हूँ, और जो है उनको हिम्मत देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरी मजाक को आप लोग मजाक में ही लें, सीरियस ना लें। ठंड में आइसक्रीम खाना मना है तो मैंने अच्छी बात ही बोला जैसा लग रहा मेरे को, तो आइसक्रीम मत खाइए ठंड में अगर आपकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है ये करे, तो आप देख के उसके हिसाब से चलिए। इनायत शरीफ भी लिख रहे हैं, माशाल्लाह डेटिंग पे दिख रहे हैं आज, इसीलिए चार आइसक्रीम खा लिया मैं। तो नदीम पाशा भी लिख रहे हैं, अंजलि ने कहा है आइसक्रीम खाना मना है। तो राजीव कुलकर्णी जी हर वक्त प्रणाम करते रहते हैं, बहुत सारे मैसेज आए थे अल्हम्दुलिल्लाह राजीव कुलकर्णी जी के, जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आपका और मेरा ये रिश्ता इंशाल्लाह, मेरे सारे चाहने वालों का रिश्ता हमेशा बरकरार रखें, जन्नत में भी इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह हमें जन्नत में आला से आला मकाम अता करें, एटलीस्ट हमें उस दोजख की आग से बचाएं, उस दोजख की आग से बचाएं, अल्लाह वो आग से महफूज रखें हम सबको। जो भी लोग मेरे साथ जुड़ के हैं, अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचाएं और जन्नत में हमारे लिए जगह बनाएं, और हमें गलत रास्ते में जाने ना दें, सही रास्ता बतलाएं। अल्लाह से उम्मीद कीजिए, हर वक्त दुआ कीजिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आसिफ खान भाई लिख रहे हैं, कुछ नहीं होता बिस्मिल्लाह बोल के खा लो। सही बोले, हर वक्त बिस्मिल्लाह बोल के इंशाअल्लाह कोई भी चीज़ खाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको जो है फ़ायदा होता। तो ये कुछ ख़ास कमेंट मेरे चाहने वालों के, पढ़ना ज़रूरी था तो मैंने पढ़ा। तो इंशाल्लाह आप कोई भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, इंशाल्लाह बातचीत कर लेंगे। तो मोहम्मद अब्दुल अखिल भाई, डॉक्टर साहब, मोहसिन शेख भाई, आमीन, अब्दुल लतीफ़ भाई, आमीन। टाइप 1 डायबिटीज़ का इलाज है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कॉन्टैक्ट कीजिए मेरी टीम से। सद्दाम SR जी चेन्नई भी आते हैं, तमिलनाडु में मैं होसूर में आता हूँ इंशाल्लाह। शेख इमरान भाई, भाई प्लीज़ रेमेडी बोलो, स्कॉट एंड SGPT इंक्रीज। मेरी टीम से अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह दे विल टेल यू एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, खैरियत? क्या हाल वो साहब? खैरियत डॉक्टर अल्लाह का साहब? एहसान। कहाँ से हैं आप? मैं अभी बहरीन से बोल रहा हूँ। बहरीन से? माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसी है तबीयत आप? मैं आपके हर वीडियो माशाल्लाह देखता हूँ, और तौहीद पे माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। कोई तौहीद वाला क्यों, हर एक को अल्लाह जन्नत में ले जाए, और तौहीद के बिना कोई जन्नत में जा नहीं सकता। जा नहीं सकते, हम तो अल्लाह से दुआ लोग है कि के जल्दी। अहले हदीस जमात है गुजरात में, गुजरात समी में। हाँ, माशाल्लाह अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग के 800 आदमी है एक ही खानदान के इधर बहरीन में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको खुशहाल, अल्लाह से दुआ करता। आपकी दवाओं के देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, बहुत आप खिदमत कर रहे हो लोगों के। बोलो चलो बात करने का दिल हुआ, रिक्वेस्ट भेजू। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सब खैर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इधर बहरीन में डॉक्टर साहब पुलिस ऑफिसर हूँ इधर जी पुलिस ऑफिसर हैं? बहरीन में। माशाल्लाह माशाल्लाह, और तरफ क्या
इसी तरह आप खिदमत का काम कीजिए और हो सके तो आमीन। यही रूल्स अल्लाह ताला में भी लाए कानून। आमीन आमीन। हम लोग ये काम में देर नहीं करते, हमारे कभी अगर मौका मिले गुजरात में समी करके गांव है, कभी आ जाओ डॉक्टर जाकिर नायक, डॉक्टर ये जर्जिस मौला, ये सब उधर आके गए उधर। जी 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 माशाल्लाह। और हमारे हमारी मस्जिद है उधर 800 साल की, 800 साल की मस्जिद पुरानी है, जामा मस्जिद है। आऊंगा जरूर आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके वीडियो तौहीद से शुरू करते वहां से ही मजा आती है, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई कोई कुछ पत्ता भी हिला नहीं सकता। होता ही नहीं, लोगों को ये समझ में आना कोई, ये शिफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की पहचान कराने से ही अल्लाह इतने लोगों को शिफा दे रही। मैं खुद ताज्जुब हूँ रिजल्ट्स को देख के, मालूम इतनी शिफा अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसे चाहे शिफा दे सकते, जिसे चाहे बीमार रख सकते, जिसे चाहे दौलत दे सकते, जिसे चाहे शोहरत दे सकते। जितने नबी आए अल्लाह की पहचान कराने के लिए, अगर हम हमारे खालिक को नहीं पहचाने तो फायदा क्या जी को? फायदा नहीं। सही है, बस इंशाल्लाह मिलते रहे। आपके कोई पर्सनल व्हाट्सएप हो तो भेज देना, थोड़ा कभी बात करने में। बिल्कुल इंशाल्लाह, आप अपना नंबर मुझे मैसेज कीजिए मैसेंजर पे, मैं आपसे बात कर लेता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है ना? इंशाल्लाह। अभी मगरिब का अजान हो रहा है इधर, अच्छी बात है। अब नमाज भी चल रही है, नमाज का टाइम हो रहा है, इधर तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ चलो, जजाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह, अल्लाह हाफिज। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको अल्लाह की हिदायत नहीं मिलती। बिल्कुल सद्दाम नाटिकर भाई बिल्कुल अब सही बता रहे हैं, हर एक को हिदायत नहीं मिलती, बहुत सारे लोग गुमराह हैं आज। अल्लाह ताला हर एक को सही रास्ता बतलाए, अल्लाह से यही दुआ है। मोहम्मद मोहसिन भाई इज वॉचिंग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम, चले गए। तो डॉक्टर साहब मेरा जवाब दो जी। यूसुफ कुरैशी जी आप पूछिए, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा आपके सवाल का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। खैरियत? अगस्तान आपकी खैरियत? पहचान है? अरे पहचान है, पहचान है। आपको देख के बहुत साल हो गया, बहुत मागड़ी में मिले थे कड़बा से। हाँ, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है डॉक्टर साहब। खैरियत पूछने के लिए, जस्ट खैरियत पूछने के लिए आपका अल्लाह का एहसान है। अल्लाह आपसे भी बहुत खिदमत ले रहे माशाल्लाह, कितने लोगों का माशाल्लाह खिदमत। इसी तरह आपको जितने भी मेरे वीडियोस देख रहे लोग सबको खिदमत करने की तौफीक अता करें अल्लाह ताला, और सबको अल्लाह ताला उनका ईमान को मजबूत करें और सबको नमाज पढ़ा दें और जन्नती बना दें। फायदा भी हो रहा है, वो आंखें के दवा बने थे ना, उसमें भी फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फायदा हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह आपकी आप एक जरिया है हमको एक इलम सी का एक खूब सीखिए इंशाल्लाह और सिखाइए और लेकर आऊंगा मैं इंशाल्लाह सभी लोगों के लिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा
अज़ा हो रही है इंशाल्लाह, अज़ा की हम कदर करेंगे फिर इंशाल्लाह, फिर कॉल पे लूँगा मैं आप। تمام الصلاة القائمة محمد للذي لا تول فزيلة والترجي ترفيع وباسق مقام محمود للذي وأنت وارزقنا صفاته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا رب. हाँ तो शकील शेख भाई अस्सलाम वालेकुम, आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, और जो है औलाद के लिए जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं, अल्लाह से मांगो गिड़गिड़ा के, और जो दवा मैं दे रहा हूँ आपको उसका असर 6 महीने तक रहता है इंशाल्लाह। 6 महीने में कभी भी अमल रुक सकता, आप अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगो इंशाल्लाह। अपना पैसा कहीं पे भी आप जो है जाया मत कीजिए, जो दवा मैं आपको दे रहा हूँ एकदम फुल एंड फाइनल दवा है, और मेरे पास औलाद का नंबर 1 रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद इब्राहिम शेख भाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सद्दम सद्दम भाई आप अभी कहाँ पर हैं? मैं अभी जो है मैं कर्नाटक में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मिसबा बेग जी वालेकुम अस्सलाम जी, रानी बुशरा, फरहान शेख भाई अस्सलाम वालेकुम। तो सुहेल अली भाई मेरा भी क्वेश्चन को आंसर दियो। बिल्कुल सुहेल भाई आप सवाल तो कीजिए इंशाल्लाह। सैयद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत? हम बांग्लादेश से बोल रहे हैं। कहाँ से? हम बांग्लादेश से बोल रहे हैं। बांग्लादेश, जी जी बोलिए बोलिए, खैरियत से हैं आप? जी है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हैं अभी बांग्ला कथा बोले बुझेन, बांग्ला कथा बुझेन बांग्लादेश। इंशाल्लाह मुझे आप वीजा भेजिए और टिकट भेजिए, मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा उड़ के। इंशाल्लाह उड़ के जाना पड़ता, बीच में नदी है समंदर है। टिकट भेजने पड़ेगा क्या? टिकट हमको भेजने पड़ेगा, आप खुद से नहीं आ सकते? आ जाता हूँ। आप आइए, आपका बहुत बहुत ही अच्छा अच्छा बात सुने हैं, बहुत बीमारी के इलाज करते हैं, इसके वजह हम बहुत आदमी को यहाँ भी बहुत को शेयर करने के लिए बोले हैं आपको बात करने के लिए। जो डायबिटीज के बारे में जो बोलते हैं जी जी, तो आइए आपके बाद हम हर टाइम सुनते हैं, मैसेज देते हैं, मैसेंजर में हम आपसे बात करेंगे फोन में इंशाल्लाह। ओ मैं आपका मैसेंजर नंबर हमको दीजिएगा इंशाल्लाह। आप मुझे इसी आईडी आप हमसे छोटे हैं, हम आपको तुम करके बोल सकते हैं, तुम ही करे कथा बोलते পারবো। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। আমার কথা বুঝছো? শিখাও তো মে ইনশাআল্লাহ বল লেতো। শিখা কে দিও আপ अल्लाह एक है को बांग्लादेश की लैंग्वेज में कैसा बोलते हैं? अल्लाह एक हो देखिए कितना आसान है पहचान करना, माशाल्लाह। अल्लाह एक, अल्लाह छाड़ा कोनो मामूत नहीं, अल्लाह के क्यों जन्म देनी, अल्लाह का के जन्म देनो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा আমার যে সুগার আছে আমি যে কথাটা বল, আমার সুগার, মেরা সুগার হ্যাঁ, তো হম ইন্ডিয়া, হম ইন্ডিয়ান হ্যাঁ, মগর মেরা শাদি বাংলাদেশ মে হুয়া। अच्छा अच्छा आप समझे ना मेरा बात? हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। अच्छा आप समझ गए ना, तुमको हाँ, मेरा शुगर है बहुत ही, हम बांग्लादेशी दवा नहीं ज्यादातर, हम इंडिया
दवा मैं शुगर की वजह से क्या खाना चाहिए? शुगर के लिए कंप्लीट डाइट प्लान है शुगर के पेशेंट्स के लिए, और शुगर के लिए एक पाउडर बनाने का है। इनशाल्लाह आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और जो है मैं कैसे कांटेक्ट करूँ आपको, आप लिख लीजिए एटलीस्ट, मैं बोल देता हूँ, पेन कापी लेके लिख लो आप। सभी लोग लिख लो जिनको भी शुगर है, इंशाल्लाह ये चीज अगर आप घर पे, आपकी शुगर नॉर्मल हो जाती, कुदरतन नॉर्मल होती इंशाल्लाह, आपको जरूरत नहीं। और ये नॉर्मल सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही होती, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हुए अगर आप ये रेमेडी करेंगे तो जिंदगी भर आप इंग्लिश दवाओं के मोहताज नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, आप अपना व्हाट्सएप नंबर बताइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर बोलूं, लिख लीजिए 81। 81 फोर सेवन नहीं, 81 47। 47 81 47 30। 309 309 402। 402 हाँ, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, इंडिया का नंबर ऐड कीजिए +91, और मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए इंशाल्लाह। ये मेरा पर्सनल नंबर ही है, थोड़ा ये जो है मैं पब्लिक में बोल दिया तो कॉल फ्लो ज्यादा हो जाता, तो मेरे असिस्टेंट मेरे पीए जो है आप सबको रिप्ले करेंगे, और इंशाल्लाह हो सके तो मेरे इससे बातचीत भी करा देंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है ना, जी, थैंक यू। यू आर मोस्ट आप आइए, बांग्लादेश आइए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, माशाल्लाह पूरी दुनिया से लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह प्यार दे रहे, अल्लाह का एहसान है ये मोहब्बत अल्लाह ताला की तरफ से है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेमत साहिए समी भाई 8147309402 लिख दिए मेरा नंबर आप, जजाक अल्लाह खैरन कसीरा। तो सैयद मोहम्मद मासूम पीर कादरी भाई, जजाक अल्लाह खैरन कसीरा। तो मोहम्मद कलीम खान भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके पास वेरिकोल्स का इलाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है। देखिए फोन आना शुरू हो गए मुझे, तो मैं ज्यादातर फजर में फ्री रहता हूँ इंशाल्लाह, 5 घंटे के बाद। तो मैं इंशाल्लाह आपको 5 घंटे के बाद मैं बात करता हूँ यूजुअली, ठीक है ना, मैसेजेस भी आना शुरू हो गए। तो मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ से हैं आप? मैं इधर बैंगलोर से ही बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। एक बार आपके पास आया था हसूर में। जी, कौन से इलाज के लिए आए थे आप? नहीं, हमारे अम्मी को शुगर के लिए बुला लेके आया था, जी तो वो हमारे अम्मी वो किसी वजह से वो कंप्लीट वो खाई नहीं मेडिसिन, वो सही अभी हुआ। भी वो कंप्लीट नहीं कर रहे। वो क्या कि घर में परेशानी थी, और हमारे नाना का वो टाइम में इंतकाल हो गया, वो बिजी में रह गए, तो छोड़ छोड़ के खाए थोड़ा, तो अभी वो शुगर वैसा छे वो, तो अभी मैं बहुत जो आना नेक्स्ट, क्या। अब मैं वीडियो छोड़ा ना, आप खाली वीडियो देख के फॉलो कर लियो माँ, मेरे पास आने की नौबत नहीं आती इंशाल्लाह, आप घर बैठे तैयार हो जा सकते हैं। अभी मैं जो नंबर बोला वो नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, उस पे मैं रेमेडी भेजता हूँ और एक डाइट प्लान भेजता हूँ, ठीक से 3 महीने करेक्ट फॉलो कर लिए तो शुगर जड़ से क्योर होता उनको इंशाल्लाह। ठीक है ना, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला दवा इस्तेमाल करने की जो है तौफीक दिन दे, बोल के दुआ करो इंशाल्लाह, क्योंकि हर एक इस अल्लाह की इंशाल्लाह तरफ। दुआ बिल्कुल बिल्कुल, दुआ में याद रखिएगा। जरूर इंशाल्लाह, अल्लाह इंशाल्लाह। मैं फेस के लिए भी बेहतरीन रेमेडीज लेकर आऊंगा आपके लिए इंशाल्लाह। देखिए फोन आना शुरू हो गया, इसीलिए पर्सनल नंबर देना जरा प्रॉब्लम था, लेकिन आप लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी चाहत जो है मुझे सारे हदाब पार कर देती है। तो बात करो पेशेंट से, उनकी कुछ इमरजेंसी है तो इंशाल्लाह कॉल को फॉरवर्ड करो मैनेजर को,
तो यूरिक एसिड के बारे में जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेमेडी है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए मोहम्मद मंसूर पे, इंशाल्लाह मैं भिजा देता हूँ। बाहर जाके बात करो, एक चमचा सना का पत्ता और एक चुटकी कलौंजी सुबह एक गिलास पानी में डाल के पका के पी लियो, यूरिक एसिड क्योर हो जाता है इंशाल्लाह। 21 दिन करो कोर्स और रिजल्ट पहले दिन से मिलता है आपको इंशाल्लाह। जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। वरहमत, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, खैर खैरियत? यार डॉक्टर साहब, अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? ऐसी तबीयत वगैरह? अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, एहसान, अल्लाह का फजल करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआ है, आप सबकी चाहत है, अल्लाह का एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह एकदम सेहत याब। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपसे मतलब वो हमारे घर वालों को भेजा था मैं आपके पास गुलबर्गा। मैं भी कर्नाटक से हूँ, तो फिलहाल तो अच्छा सऊदी में रहता हूँ। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो खंकर की दवा आप दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह के हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का हमारे एक एहसान और एक बहन है, तो उनको थोड़ा इसका प्रॉब्लम है, जी, क्या बोलते हैं, मोलादी का। मोलाबी का जी 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 तो देखिए, पेट साफ होना बे पेट एक साफ रखे तो वो प्रॉब्लम हल हो जाता है उनका इंशाल्लाह, ठीक है ना? तो मैं उनको एक से दो तीन रेमेडीज बतलाता हूँ, ठीक है ना? तो वो ठीक से उन्हें फॉलो कर ले तो क्योर हो जाते हैं, जी 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 ठीक है? इंशाल्लाह। मैं बोला आपका नंबर भी दिया हो, वहीं गुलबर्गे में रहते हैं आप, आने वाले ना 1 तारीख को। एटलीस्ट आके फ्री में सीख के भी जाइए इंशाल्लाह, इसका कुछ भी चार्ज नहीं है। जितने भी मेरे पेशेंट्स, जितने भी मेरे जी जी चाहने मैं वाले, आके एटलीस्ट वहां पे सीख के जाइए, आपको पूरा सिखाएंगे इंशाल्लाह सारे रेमेडीज। रेमेडीज से आपका मसला हल हो जाता, अगर उससे भी नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके करूंगा इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तो देखिए, जितने भी रेमेडीज मैं बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़े राज है, एक बहुत बड़ा राज है, समझ रहे ना आप? और ये राज मैं इसलिए फाश कर रहा हूँ सारी दुनिया को कि लोग जो है अल्लाह की तरफ रुख करें और ये इलम अपने अंदर ले लें, ये इलम को सीखें और इंशाल्लाह दुनिया को सिखाएं और अल्लाह की पहचान कराएं। बहुत खूबसूरत लगेगी दुनिया आपको। मौला तन्नाली भाई, वालेकुम सलाम। बन रहा है, क्या इलाज हो सकता है? सैयद मोहम्मद मासूम पीर खादरी भाई, इंशाल्लाह जरूर, जितने भी लोगों को जो है कुछ रेमेडीज भी असर नहीं करे तो इंशाल्लाह 5 बॉटल जो मैं पुनर्जीवन बोलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा जड़ी बूटियां से बनाते हैं वो, इंशाल्लाह मेरे नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करके आप बात करेंगे तो आपको जो है हम फॉलो अप करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है, और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं यूपी में रहता हूँ, दिल्ली अलीगढ़, लेकिन जी, माशाल्लाह, गुलबर्गा बहुत दूर है यहाँ से, तो आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता जॉब के रिगार्डिंग, जॉब के सिलसिले की अच्छा वजह से ना, जॉब की वजह से अच्छा हाँ जॉब आइए में मेरे। बिजी रहते हैं, इसलिए आ नहीं पाते उधर गुलबर्गा या हैदराबाद। हाँ, लेकिन आपको बहुत सालों से देख रहा हूँ वीडियो, माशाल्लाह से इलाज बहुत अच्छा करते हैं आप। कभी आप अलीगढ़ आइए। इंशाल्लाह 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 जरूर आऊंगा मैं। एक्चुअली एक्चुअली मेरे भाई है, उसका पैर में स्किन की प्रॉब्लम है। एक्चुअली डॉक्टर को दिखाया बहुत, तो उन्होंने तो मना कर दिया कि ये ठीक होगा नहीं, है ना, जी, क्योंकि एलोपैथिक में उसमें इलाज नहीं है। तो मैं आपको एक बार वीडियो दिखाऊं, फोटो दिखाऊं स्किन की, अगर डॉक्टर साहब सकते हैं 1 मिनट देखिए। ये देखिए हाँ, इट्स लाइक सोराइसिस है वो शायद। जी डॉक्टर साहब, और ये का तकरीबन 3-4 साल से है। अल्लाह ताला चाहेंगे तो 10 दिन में ठीक हो जा सकते हो, 10 डेज नहीं नहीं इंशाल्लाह। बिल्कुल, इंशाल्लाह आपसे भी उम्मीद है कि अल्लाह के जरिए।
उम्मीद रखो इंशाल्लाह, सिर्फ कनेक्शन अल्लाह से रखो और अल्लाह पे भरोसा रखो। खतरनाक से खतरनाक बीमारियों से शफा एक रात में अता करे हैं, ऐसे लोगों को देखा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए इंशाल्लाह, आप जस्ट मेरे नंबर्स पे कांटेक्ट करिए, मेरी टीम आपको गाइड करेगी और आपको इंशाल्लाह हर एक बीमारी का इलाज बतला के देगी इंशाल्लाह। ठीक है ना, अगर उससे जी एक्चुअली आना पॉसिबल नहीं, जो भी मेडिसिन होंगी जो ऑनलाइन होगा सारी चीजें, तो आपको ऑनलाइन दवा लेने की भी नौबत नहीं है, इनकी आप घर बैठे तैयार करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल, कभी आइए डॉक्टर साहब इधर यूपी में ना, अलीगढ़ दिल्ली है ना, आप अगर कहेंगे तो मैं करूंगा आपके लिए ना, अलीगढ़ में अरेंजमेंट करूंगा। जगहें हैं तो बोलिए, मैं जरूर आ जाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं मैं अरेंजमेंट करूंगा बिल्कुल, आना जाना सारी चीजें मेरी तरफ से रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पॉसिबल नहीं होता वहां आना आपके पास, तो अल्लाह ताला उस नेमत से आप सबको शिफा अता फरमाए आके अलीगढ़ में, सबकी मदद करें इंशाल्लाह। और मैं आपकी टीम से है ना कि आप जैसा भी हो सके अलीगढ़ आए, जो भी होगा मेरी तरफ से बेस्ट पॉसिबल इंशाल्लाह। उनसे बातचीत कीजिए आप, और कोई ऐसे प्लेसेस हैं तो इंशाल्लाह अगर पॉसिबल है तो मैं घूमने के मकसद से आऊंगा, मतलब मैं इलाज के लिए भी आऊंगा, लेकिन मैं इतने सारे लोगों को ना तो माइंड मेरा जो है थोड़ा रिफ्रेश हो जाए बोल के, लेकिन घूमने बिल्कुल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये इतनी बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटी है, तो आपको घुमाएंगे, आप हमारे मेहमान होंगे जब आप आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके है ना, ये भी बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। यूपी से बहुत सारे लोग आते, 1500 1800 किलोमीटर दूर से लोग बड़ी तकलीफों से आते मुझसे मिलने के लिए कैंप। एक्चुअली प्राइवेट जॉब में आपको पता ही, छुट्टी बहुत पॉसिबल नहीं हो पाती और दूर इतना है ना, और कोरोना की वजह से छुट्टी बहुत कम मिल रही है आजकल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस बातचीत हो गई, अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो अल्लाह का एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से लोग इतनी मोहब्बत दे दें, इतनी चाहत दे दें, तो आप सब लोगों से बस यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब लोग घर बैठ के सीखिए ये नेमत को, और अपने दोस्त अपने अहबाब सबको बताइए इन नेमतों में कितना असर रखे हुए हैं अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, खैरियत से हैं आप? बस दुआ है, मेरा नाम अफसर है डॉक्टर साहब जी। बोलिए अफसर भाई, मैं हैदराबाद से हूँ, आपकी वीडियोस देखता हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फर्क होता, बहुत फायदा होता, बहुत लोग बहुत फायदा उठा रहे माशाल्लाह माशाल्लाह, जितना भी दुआ करो कम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भी बहुत बहुत सारे जो प्रॉब्लम आते हैं स्किन के भी बहुत सारे ठीक हुए, अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा ठीक हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अरे एक छोटा प्रॉब्लम था डॉक्टर साहब मेरे को, ये मैं दुकान में बैठ के रहता हूँ, ज्यादा देर बैठ के काम करने का है, कब्ज की ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम होती, जरा गैसेस वगैरह होते, कब्ज ज्यादा होता, तकलीफ बहुत रहती पेट में। आप सिर्फ 2 घंटे अपने लिए निकाल सकते ना? हाँ निकाल सकते डॉक्टर साहब। काम कीजिए, मेरी टीम को फोन कीजिए, वो आपको एक होम रेमेडी सिखाते वो आप घर पे बैठ के करिए और भूमि अमला दीजिए, इंशाल्लाह आपका गैसेस का मसला हल हो जाता। और हाथ में यहाँ पे एक दर्द मिलता आपको, शायद देखे होंगे आप जो मैं बतलाता हूँ, ऐसा डेन लेके रगड़ो, ऐसा रगड़ो, इससे गैसेस का मसला हल हो जाता है इंशाल्लाह ना। अगर हो सके तो मैं अगर कभी मैं हैदराबाद आऊंगा तो मुझसे मुलाकात कीजिए इंशाल्लाह, 1 मिनट में ऐसे गैस खत्म हो जाती है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, दबाने से इमीडिएटली गैस पूरी चले जाती। सीधे हाथ पे करना डॉक्टर साहब? सीधा हाथ या जो है दाया हाथ कहीं भी ले सकते हैं। आपके वहाँ मेरे वालदा को भी और वालिद को भी लाना चाह रहा हूँ, हैदराबाद का बात है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात नहीं हो रही, जब आप आते टाइम ना रहता मेरे पास, मैं दुकान पे रहता हूँ ना, इसमें बिजी हो जाता हूँ, इंशाल्लाह फिर अब हैदराबाद आकर पक्का लेके आता हूँ मैं। उल्ला भी आपके नुस्खे बहुत यूज करते, बहुत
पैदा हुआ बोल के बोलते घर में सब वो जो जो भी आप बताए सब फॉलो करते, मेथी के दाने वगैरह सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का इंशाल्लाह ऐसा आपसे मुलाकात कराते हैं एक बार लेके आके मेरे वालिद और वालदा को भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह तो अजा हो रही इंशाल्लाह, हम अजान की खतर करेंगे फिर इंशाल्लाह आपसे बातचीत करेंगे। हाई बीपी के लिए 1 कप दूध में 2 लहसुन के कलियां और आधा चमचा शहद इंशाल्लाह डाल के आप जो है पका के पीजिए, इससे बीपी नॉर्मल हो जाती है इंशाल्लाह आपकी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का एहसान। डॉक्टर साहब क्या है बोले तो ये मुंह में मेरा पूरा पक चुका है। हाँ 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 वो गुटखा खाता था मेरा मुंह नहीं खुल रहा। 1 सेकंड मेरे मम्मी को, मम्मी 1 सेकंड डॉक्टर साहब टाइम है तो आपके पास। मम्मी समरिन जरा 1 मिनट को फोन लेकर, आज ये मुंह नहीं खुल रहा मेरा, जरा टॉर्च ऑन करो वो फोन। अरे बाबे बा, ये मेरे तीनों बेटे हैं देखिए, ये बड़ी बेटी है ये छोटी बेटी है। अच्छा माशाल्लाह आपकी। मम्मी जरा बताओ हाँ हाँ देख रहा हूँ, अभी मेरी बात गौर से सुनो आप जी। हटो वो जी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ, आपके लिए ही है वो वीडियो। जी ठीक है, आप जाके इमीडिएटली वो वीडियो देखो, उसमें मैं सारे चीजें आपके बता दिया। ठीक है ना, घर बैठे इंशाल्लाह आपको शफा हो जाता। अल्लाह से तौबा करो और इंशाल्लाह आप दवे को इस्तेमाल करो घर पे बैठे बैठे। जी ये पूरा दर्द है, ये कान से यहाँ से पूरा दर्द है, पसीने आ रहे पूरे। आप बेफिक्र रहिए, आपको शफा हो जाता इंशाल्लाह। ठीक है ना, पहले दिन से ही आपको रिजल्ट मिलता। अब आप क्या करेंगे इंशाल्लाह, 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। पढ़ रहे क्या? हाँ पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज तो पढ़ रहे। अभी आपको वो वीडियो देखो आप याद से। ठीक है, थोड़ी देर अपलोड किया मैं। अच्छी बात है, हाँ ठीक। अल्लाह टाइम की तरह। अस्सलाम वालेकुम। हजरत एक प्रॉब्लम है, याकी है ना, याकी के ये गर्मी से हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है समझ नहीं आ रहा था, फोन जब करता हो जा रहा है जी। काफी ज्यादा या खून जम रहा पूरा यहाँ पे, इसका कुछ इलाज है जी? क्या बोले? आवाज ज्यादा आ रही है, बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पर जो आँखी है ना हजरत, आँखी की वो ये होके भी लगभग 2-3 महीने से, 2-3 महीने से क्या हो रहा, मानो कम हो रहा ज्यादा हो रहा, कम हो रहा ज्यादा हो रहा, हो उसका इलाज क्या समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या ड्रॉप भी इस्तेमाल करा
ड्रॉप भी इस्तेमाल किया हूँ और क्या वो तो टैबलेट्स भी खाया लेकिन कम नहीं हो रहा इसका इलाज पे जी। आलू हेलो हाँ एलोवेरा हाँ हाँ जी जी नहीं एक्चुअली डॉक्टर के पास गया मैं, डॉक्टर के पास गया तो ने बोला गर्मी से आओ बोल के बोला ठीक, गर्मी से आओ बोले तो फिर ड्रॉप दिया वो टैबलेट्स दिया, टैबलेट्स भी इस्तेमाल किया मैं लेकिन क्या रस आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक, इंशाल्लाह ट्राई कर तो मैं, अगर आपको फिर कांटेक्ट करना तो वैसा करना जी। नंबर किसकी आपका? ठीक है इंशाल्लाह आपको मैं एक बार फोटो भी सेंड करता हूँ, उसमें क्लियर दिखे नहीं आ रहा है यहाँ पर रोशनी से, आवाज भी क्या ब्रेक ब्रेक हो रही है तो बात नहीं हो रही है इंशाल्लाह अपने से, या अगर आप जो बताया ना उसका नुस्खा इस्तेमाल इस्तेमाल कर दो इंशाल्लाह, शिफा तो अल्लाह के हाथ में है इंशाल्लाह, आप भी दुआ करो ठीक है ना। ठीक है अस्सलाम वालेकुम अल्लाह बरकात। तो टाइम कितना हुआ है भाई? हाँ 8 बज रहे हैं इंशाल्लाह। तो चलिए आप लोगों से बात करते ही रहो बोलता दिल मेरा, आप लोगों की चाहत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलीम खातिक भाई मैं इंशाल्लाह अभी देखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, हंड्रेड्स ऑफ रिक्वेस्ट, मैं जिनका भी अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जजाकल्लाह खैरन कसीरा। इमरोज बादल जी अस्सलाम वालेकुम। जाफर खान भाई अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा भाई अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम अभी हम किए थे आपका नंबर ना, थोड़ा हमसे लिख गलती हो गया, प्लीज आप थोड़ा नंबर दीजिए, अभी लीजिए। अब आदमी से दिखाना है आपको, मिलाना है सबसे, ठीक है परेशान मत होइए, हम भी इंडिया है, मेरा शादी बांग्लादेश में हुआ है। कुछ भी नहीं है, सारी दुनिया और सारे कौम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, सब एक हैं। आप इंडियन है, बांग्लादेशियन है, तो और भी खुशी होती है मुझे कि वहां से भी लोग चाह रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है हाँ। नंबर लिख लीजिए। फोर बोलिए। सेवन नाइन मेरा नंबर मुझे याद नहीं है, मैं बदलते रहता हूँ तब तब। 8147 हाँ बोलिए। 8147 हाँ लिखे बोलिए। 8147 309 309 402 402 तो अभी एक कमेंट आया बहुत मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, हम बहुत आपको लाइन में बहुत आदमी है, अभी हम आपको बहुत परेशान किए, अभी कुछ नहीं मत नहीं सोचिए। आप तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छा तंग करें, मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। हमको तंग करें आप इंशाल्लाह आइए बांग्लादेश में आइए, आपको जरूरत है थोड़ा जरूरत इंशाल्लाह। जी। हाँ अच्छा अभी एक कमेंट आया कि मैं हाथ लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ,
ये कैमरे में आपको ये सीधा हाथ है तो ये लेफ्ट दिखाता, ठीक है? तो मैं हाथ सीधे हाथ से ही सलाम मैं सीधे हाथ से ही कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिरोज अहमद अंसारी भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आंखों का इलाज भी जो है मैं बताया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रियाजुद्दीन भाई आप याद से देखिएगा यूट्यूब पे जाके, सैयद अजहर भाई गालबेड़ा रेस्टोरेंट का भी एक बेहतरीन फार्मूला अपडेट है। नहीं बैट जो बीपी लो है तो उसका रेमेडी दूसरा रहता, तो बीपी लो है तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट करिए, सारे रेमेडी बदला देते हैं आपको इंशाल्लाह। द कॉल श्योर सैयद सलमान जी, आई विल टेक यू द कॉल। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरकातुहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी खैर से हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे तो चले गए। अरबाज भी मैं बिल्कुल इंशाल्लाह मैं लूंगा कॉल आपका। फारूक भाई आप मेरी टीम से कांटेक्ट करें इंशाल्लाह, वो आपको गाइड करेंगे। इमरान भाई बारकल्ला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, खैरियत से सैयद? हैं? अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह करम, मैं जियाउर रजा बात कर रहा हूँ यूपी से। यूपी से? माशाल्लाह, बोलिए। यूपी में बाराबंकी एक जिला है, वहां से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब मुझे माशाल्लाह। पेट में जैसे कब्ज वाला मर्ज रहता है, उसके लिए कुछ बता दें आप। आप जो है मेरी टीम से कांटेक्ट करेंगे तो आपको रेमेडी भेजते, आपको कौन सी भी बीमारी हो इंशाल्लाह आपको हम गाइड, आपको सिखाते, आप वो आराम इस्तेमाल कर ले सकते, उससे क्योर जी हो गया। अगर नहीं तो आपको दवा चाहे तो दवा भी जा देते, ठीक है ना? जी क्योंकि ये पूरे 7-8 रेमेडीज हैं मेरे पास गैसेस की। जी बेस्ट रेमेडी मैं ऑलरेडी बताया हूँ मेरे बहुत सारे, ठीक है ना? आप एक बार मेरी टीम से कांटेक्ट करें तो आपको गाइड करेंगे। मेरा प्रोफाइल ही आपको नंबर मिल जाता, ठीक है ना? जी इंशाल्लाह। ठीक है, और बताए हैं? सब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। रजिया साहा जी, मैं इंशाल्लाह 18 तारीख को मैं हुजूर में होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह मैं कॉल ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? खैरियत अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? डॉक्टर गुलबर्ग आया था मुंबई से, गुलबर्ग पे मिला था लास्ट मंथ आपको। तो अच्छा माशाल्लाह। थोड़ा तकलीफ कम नहीं हुई मेरी? क्या
क्या तकलीफ आपकी? वही दवाई दे दे आप। अस्सलाम वालेकुम, पहचाने? अल्हम्दुलिल्लाह, आईटी सेक्टर से है आप? डॉक्टर आप तकलीफ कब ले? बहुत तकलीफ हो रही है। क्या तकलीफ? बोलो क्या क्या ले आए? वही साली बाथरूम साफ हो रही है लेकिन सीने में पेट में एकदम धक धक होता है, एकदम इधर पे पकड़ा हुआ लगता है एकदम। भूमि हमला ले रहे क्या आप? भूमि हमला नहीं लिया, आपने जो दिए थे वही चालू है। आपको भूमि हमला का भी बोले थे ना हम, लिवर के लिए शायद? नहीं नहीं बोले थे भूमि हमला का। अच्छा, एक काम करो, आपका नंबर बोलो, मैं इंशाल्लाह मैं खुद पर्सनली आपको जो है कॉल करता हूँ। ठीक है। 9 6 9 6 5 double 3 5 double 3 5 0 5 0 138 138। ठीक है, आप जो है बहुत ज्यादा दिमाग को सोचते हैं आप। तकलीफ होती डॉक्टर साहब, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाता है इंशाल्लाह, बेफिक्र। ठीक है ना, देखो आंखें बता रहे आप नहीं बता। अरे वही आज तकलीफ हो रही है, आज काम पर गया नहीं मैं। अय्यूब अलैहि सलाम को भी 18 साल जो है अल्लाह ताला आजमाइश में रखे थे। मैं शायद बहुत देर तक बात कर रहा था होगा आपको हैदर गुलबर्गा में शायद, नहीं? हाँ हाँ, आपका मुंबई कैंसिल हुआ था तो मैं गुलबर्ग आया था ना। आप दवा ठीक से इस्तेमाल? तो ये बार आपका एक ही दिन था तो हाँ, दवा ठीक से पूरी इस्तेमाल करें आप। हाँ पूरा परेश के साथ में एकदम, मतलब नॉन वेज वगैरह भी मेरे से ज्यादा, मतलब अब्बा के लिए भी 5 एक्स्ट्रा बॉटल लिया था मैंने, तो अब्बा को मतलब अच्छा लग रहा है उनको, मतलब शुगर वगैरह थोड़ा कंट्रोल में, और डायबिटीज वगैरह लो हो रही थी, हाई हो रही थी, वो सब भी थोड़ा कंट्रोल में। ये मेरे अब्बा, इनको थोड़ा आराम मिला। वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। जरा पिया जब से पहले ने तो उड़ता तो एकदम ब्लड प्रेशर एकदम हाई के मापक रहता था, चक्कर के वो ऐसा लगता था बदन फूक गए। माशाल्लाह भी आपकी दवाई से फड़ा काढ़ा तो बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक बेशक बेशक, अल्लाह ताला बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अपने को मंगाने का है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप फोन कीजिएगा। डॉक्टर साहब अगर मांगता रहेगा तो कोरियर कर सकते हो ना, आपकी दिन से बात करेंगे तो कोरियर बिल्कुल कर देंगे आपको इंशाल्लाह। तो वही आया मैं इतना दूर मेरी तकलीफ से, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ा लेकिन अब्बा को फायदा हो गया। अल्लाह ताला जिसे चाहे दे सकते हैं। अल्लाह से मांगो, पूछो। देखो आपकी गैस की तकलीफ और उनकी डायबिटिक की, उनकी डायबिटिक अच्छी हो गई और आपकी गैस अच्छी नहीं हो रही, जबकि गैस एक सबसे छोटी तकलीफ है, समझ रही? तो आप सोचो कहाँ पे गलती कर रहे, कहाँ पे गलती कर रहे आप, क्या शिर्क कर रहे, क्या नमाज पढ़े? एकदम बराबर हरी सब्जी वगैरह नमाज पढ़े? देखो ना डॉक्टर तो पीछा ही। इंशाल्लाह आजमाइश मुकम्मल होंगी। आपका नंबर ले लिया ना मैं, अब मैं खुद पर्सनली आपको जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है डॉक्टर, ठीक है। आप ये माना इंशाल्लाह मुंबई में मिलता हूँ मैं आपको मोरा में, इंशाल्लाह। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अपना। डॉक्टर फोन करो थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा नहीं करूंगा मैं, पूरा इंशाल्लाह। ये क्या बोल रही है? क्या है आप याद है कि ये बहुत बड़ी बात है कि हमसे बात किए थे? चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह चलो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वही बताना चाह रहा हूँ,
अल्लाह ताला पानी में भी शिफा दे देते, जिसको चाहे शिफा दे सकते अल्लाह ताला, अल्लाह ताला जिसको चाहे बीमार रख सकते। सिर्फ अल्लाह से मांगो, मैं ये जितना भी काम कर रहा हूँ मैं सिर्फ आपको अल्लाह की पहचान करा रहा हूँ और आपकी गलती को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको आपकी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको एक इलम सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस वो ही मकसद से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला शिफा दे रहे हैं। और आप भी सोचो, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, मुझे शिफा क्यों नहीं हो रही, मैं एक सही नीयत करूँ क्या, मैं सदका दियूँ, मैं नमाज पढ़ूँ, मैं अल्लाह से मांगू, कहाँ पे गलती हो रही है, आप अल्लाह से गिड़गिड़ा के पूछो तो अल्लाह आपको रास्ता बतला देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप सबको रिप्ले करते रहिए इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अभी मुझे जाना है, तो फिर मुलाकात होगी। मैं एक टाइम फिक्स करूंगा आप सब लोगों के लिए इंशाल्लाह। ख्वाजा भाई खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अल अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम, औरंगाबाद से खैरियत से हैं? नवाब अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम, जो है आपकी मुस्कुराहट बहुत बहुत अच्छी है। जाफर भाई बहुत जजाक अल्लाह खैरन कसीरा, जाफर भाई बहुत जजाक अल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अना ना हद सिचरा अदरे इले इदे जगह पे तो मैं पप्पा सता खैरियत से है आप? डॉक्टर साहब, मैं आपकी टीम से कांटेक्ट किया था थोड़े दिन पहले। क्या हो गया ना, पहले अम्मी को 1.5 साल के पहले बीपी था, बीपी की गोली भी चालू थी। तो उसके बाद क्या हो गया, अभी सडनली उनकी मतलब वीक हो रहे थे वो जी। तो डॉक्टर जब एमडी जाके दिखाए तो उनका शुगर बढ़ गया, तो बिफोर फूड 270 आया, आफ्टर फूड 400 आ गया था जी। उस वक्त क्या हो गया, एमडी ने क्या किया तो ईसीजी चेक करवाया, थोड़ा उन्हें हार्ट पेन का था मतलब जी। वो कराने के बाद उसने कंसल्ट किया कार्डियोलॉजिस्ट को कि आप थोड़ा ब्लॉकेज दिख रहा है ईसीजी में, आपको एंजियोग्राफी कराना जरूरी है। तो वो उस डॉक्टर से भी हम लोग जाके मिल के आए, मतलब वो भी क्या बता रहा है, बाकी का नॉर्मल है, एको वगैरह ईसीजी में ब्लॉक बता रहा है, तो उसको एंजियोग्राफी करना जरूरी है। वही सजेशन की एंजियोग्राफी कराना है या कैसे? देखो माँ, उनको क्या भी नहीं, सुबह में अर्जुन एक लहसुन 1 इंच, अदरक 3 इंच, अर्जुन की छाल 2 गिलास पका के 1 गिलास करके पिला। और एक बात खास, उनका पेट साफ रहना, उनको मोशन साफ से आना, और उनके दाएं हाथ पे ऐसा प्रेस करो और अल्लाह से दुआ मांगो इंशाल्लाह उनके ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। सिर्फ हार्ट के लिए बनाए सो है, अल्लाह ताला बहुत शफा रखे हुए हैं उन चीज में। आप डॉक्टर साहब और एक बार रेमेडी बता सकते हैं क्या? हाँ, मेरी टीम आपको रेमेडी वीडियो भेजेगी, आप थोड़ा देख के फॉलो। उनसे कांटेक्ट किया था डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने ऐसा बोला है, तो उन्होंने बता रहे थे कि शुगर का भी मुझे आया है रेमेडी, उन्होंने ये डाइट प्लान का नहीं भेजे लेकिन शुगर का वो जो रेमेडीज है ना उसका मुझे व्हाट्सएप किए है। मैं बोला सर से कांटेक्ट होगा नहीं, वो बोले सर से कांटेक्ट डायरेक्ट नहीं होगा जी। नंबर बोलिए आपका, मैं बात करता हूँ। आपका फोन नंबर बोलिए। 9689861 35 7 8 6 जी। नाम बोलिए आपका। शरीफ।
ठीक है, मैं फोन करता हूँ आपको, मैं इंशाल्लाह अब रात में या कल सुबह फजर के बाद मैं फोन करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? जी 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 बहुत करम होगा सर डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह माँ कुछ भी सोचो मत, सब कुछ अल्लाह हमारे लिए सही करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह अपने बंदों से 70 ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ऐसे ही छोड़ नहीं देते हमें अल्लाह ताला इंशाल्लाह। आप बेफिक्र रहिए, ये माँ की इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगी और अल्लाह ताला उनको शिफा अता करेंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? डॉक्टर साहब मैं दुआ कर रहा था अल्लाह से कि आपसे कांटेक्ट हो जाए, देखो आज कांटेक्ट भी हो गए, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अल्लाह ताला का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बेफिक्र रहिए, मैं खुद पर्सनली कांटेक्ट करूंगा, ठीक है ना? जी 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 ठीक है, चलिए इंशाल्लाह। अभी देर हो रही, मुझे एक दावत पे भी जाना है, मैं दावत पे नहीं जाता हूँ फिलहाल, आज हमारे असिस्टेंट शहबाज भी के घर पे एक वलीमा है, तो मुझे अभी जाना है, इंतजार में है शायद लोग, तो इंशाल्लाह मैं 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में मिलूंगा, 6 तारीख को बीदर, 8 तारीख को रायचूर, 9 तारीख को कर्नूल इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।